बच्चों, क्या आपको बारिश का मौसम पसंद है? आइए इस पाठ में हम बारिश के मौसम की एक कहानी सुनें और 3 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखें। एक दिन टिंकू टिड्डा मजे में वायलिन बजाते हुए घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक चींटियों और चूहों के झुंड पर गई। चींटियां और चूहे कुछ खाने की चीजों के टुकड़े उठाकर ले जा रहे थे। वहां 237 चींटियां और 153 चूहे थे। क्या आप बता सकते हैं कि वहां झुंड में कुल कितने प्राणी थे? झुंड के कुल प्राणियों की संख्या का पता लगाने के लिए हम 237 और 153 जोड़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 237 और 153 को टोकन इस्तेमाल कर लिखेंगे। हमारे पास कुल 10 एक के टोकन हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, हम हासिल कैरी ओवर का इस्तेमाल करेंगे। 10 एक के टोकन मिलाकर एक 10 का टोकन बनाएंगे। इस 10 के टोकन को हम बाकी 10 के टोकन के साथ लिखेंगे और हासिल कैरी ओवर की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर हम इसे 10 अंकों वाले स्थान में एक लिखकर भी दर्शाएंगे। अब हमारे पास कोई एक का टोकन नहीं बचा है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसके लिए एक 0 लिखेंगे। 10 अंकों वाले स्थान में लिखे सारे नंबर जोड़े तो हमें क्या मिलेगा? 9। अब अंत में हम 100 अंकों वाले स्थान के नंबर जोड़ें तो हम 3 पाएंगे। इस तरह झुंड में कुल 390 प्राणी थे। टिंकू ने चींटियों से पूछा कि वे इतनी मेहनत क्यों कर रही थीं, लेकिन चींटियों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपने खाने की चीजें उठाकर और तेजी से चलने लगी। टिंकू थोड़ी देर के लिए चौंक गया और एक पेड़ की छांव में आराम से सो गया। अगले दिन टिड्डे को झुंड में और ज्यादा चींटियां और चूहे नजर आए। अब वहां 359 चींटियां और 235 चूहे थे। आइए देखें अब कुल प्राणियों की संख्या कितनी हुई। आइए इस बार हम ये जोड़ बिना टोकन का इस्तेमाल किए करें। पहले हम 359 और 235 को 100, 10 और 1 के स्थानों का इस्तेमाल कर इस तरह लिखेंगे। क्या ये सही है? अब हम क्या करेंगे, हम 1 के स्थान में लिखे नंबर जोड़ेंगे। 9 और 5 जोड़े तो कितने हुए? 14। 14 को हम हासिल कैरी ओवर का इस्तेमाल कर कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ठीक, हम 14 के 4 को 1 के स्थान में लिखेंगे और फिर 1 को 10 के स्थान में हासिल कैरी ओवर के रूप में इस तरह लिखेंगे। अब 10 के स्थान के सारे नंबर 1, 5 और 3 जोड़कर कितने हुए? 9। अब हम 100 के स्थान के नंबर जोड़ेंगे, 3 और 2 जोड़कर बन गए 5। अरे वाह, इस बार झुंड में 594 प्राणी थे। टिंकू ने इस बार एक चूहे से पूछा कि वे खाना जमा क्यों कर रहे थे। चूहे ने चलते चलते टिंकू से कहा कि बारिश का मौसम आने वाला है और उन्हें उस मौसम में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए चींटियां और चूहे मिलकर बारिश के मौसम के लिए खाना जमा कर रहे थे। टिंकू उस पर हंसा और बोला कि वे बेकार में इतनी मेहनत कर रहे थे, उन्हें भी उसकी तरह नाचना और घूम कर मजे करना चाहिए। ये कहकर टिंकू अपनी वायलिन बजाते हुए वहां से चला गया। अगली सुबह
जमकर बारिश होने लगी। टिंकू भूख से बेहाल हो इधर उधर खाने की खोज में भटक रहा था। तभी वो चींटी और चूहों के घर पहुंचा। उसने चूहे से माफी मांगी और उसे अपनी लापरवाही का सबक मिल गया था और वो जान गया था कि मेहनत करने में ही समझदारी थी। चूहों ने उसे कुछ खाना दिया और सभी खुशी खुशी बारिश के मौसम का आनंद उठाने लगे। बच्चों, इस पाठ में हमने तीन अंकों वाली संख्याओं के जोड़ के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे।